गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम बात करने जा रहे हैं विशेषण शब्दों के कुछ उदाहरणों की, यानी कि विशेषण शब्दों की सूची। कौन कौन से शब्दों को हम विशेषण शब्द के रूप में मान सकते हैं? तो इतना तो हमने ये जान ही लिया है कि विशेषण शब्द क्या होते हैं, जो किसी की विशेषता बताते हैं। ये बताते हैं कि वो संज्ञा या सर्वनाम शब्द कैसे हैं, यानी कोई भी चीज़ कैसी दिख रही है, उसका रंग कैसा है, उसका आकार कैसा है, उसकी स्थिति क्या है, किस सिचुएशन में है वो। तो कुल मिला के कौन कैसा है के बारे में हम बात करते हैं विशेषण शब्दों से। तो इस हिसाब से विशेषण शब्दों को हम कई सारे वर्गों में बांट सकते हैं कि कौन कौन से शब्द विशेषण शब्दों में आते हैं। तो यहाँ पर हमने आपके लिए विभिन्न तरीके के विशेषण शब्दों को लिखा है उदाहरण के माध्यम से, और उनको अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया है। जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले गुणों की। तो अगर किसी व्यक्ति के गुण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषता की बात करते हैं, तो कैसा होता है कोई इंसान? अच्छा होता है, बुरा होता है, दयालु होता है, वीर होता है, काया होता है। तो ये सारे इंसान के गुण होते हैं, तो इन गुणों को भी हम विशेषण कहते हैं, क्योंकि ये किसी के इंसान के गुण के बारे में बताते हैं, तो ये विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो पहला ये हो गया गुण, ठीक है। अब दूसरा कैटेगरी अगर हम माने तो हम स्वाद टेस्ट, किसी चीज़ का स्वाद कैसा होता है, स्वाद यानी कि उस चीज़ का जायका या स्वाद खाने में कैसी होती है। कोई खट्टा होता है कोई चीज़, कोई मीठा होता है, कोई नमकीन होता है, कोई चटपटा होता है, तो ये सारी चीज़ें भी विशेषण कहलाती है। हमने कहा खट्टा नींबू है, नींबू कैसा है, खट्टा। मीठा फल है, फल कैसा है, मीठा है। ये नमकीन चाट है, चाट कैसी है, नमकीन। चटपटा मसाला, मसाला कैसा, चटपटा। तो यहाँ पर ये सारे शब्द उस किसी भी चीज़ के स्वाद के बारे में बताते हैं, तो इन्हें भी विशेषण में रखा जा सकता है। फिर बात करते हैं दशा यानी स्थिति, कोई चीज़ की कंडीशन कहती है। हमने कहा ये तो बहुत ऊंचा ऊंची दीवार है या ऊंचा कमरा है, कमरा कैसा है, ऊंचा है। नीचा घर है, घर कैसा है, नीचा है। नया नया बस्ता है, बस्ता नया है। पुराना, हाँ पुराना कांच है, ये बहुत टूट गया। टूटा टूटा हुआ दरवाज़ा। तो ये सारे शब्द ऊंचा नीचा नया पुराना ही किसी भी चीज़ की कंडीशन दशा को बताते हैं, तो ये ही विशेषण में आते हैं। फिर बात करते हैं आकार की, आकार यानी शेप, कोई छोटा बड़ा गोल पतला मोटा, ये सब क्या है, चीज़ों के आकार होते हैं। छोटा चश्मा है, गोल मेज है ना, पतला आदमी है, मोटा इंसान है, मोटी लड़की है, तो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग आकार के बारे में बता रहे थे। ये सारे विशेषण में जाते हैं, यानी कि विशेषण शब्द आप कह सकते हो कि विशेषण शब्द किसी के आकार को बताते हैं। फिर बात करते हैं स्थिति यानी कंडीशन, वो व्यक्ति बहुत अमीर है उसकी स्थिति ऐसी है, वो व्यक्ति बहुत गरीब है ना, वो अभी बूढ़ा हो गया है तो उसकी कंडीशन कैसी होगी, वो बूढ़ा है। वो जवान आदमी है, जवान है, बूढ़ा जवान गरीब अमीर, ये क्या है, इंसान की स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, तो इन स्थितियों को भी हम विशेषण कहते हैं। फिर हमने यहाँ लिखा स्वभाव यानी नेचर, इसका स्वभाव कैसा होता है, वो सीधा आदमी है, कैसा आदमी, सीधा आदमी। ये शांत बालक है, बालक कैसा है, शांत। ये शैतान लड़की है, लड़की कैसी, शैतान। अरे ये चंचल बालक है, कैसा है, चंचल, बहुत शरारती। तो चंचल, सब शांत, सत्ता और सीधा, शैतान, ये सारे शब्द क्या हैं, किसी के स्वभाव को दर्शाते हैं, ये सब विशेषण है। तो आप देख सकते हैं कि स्वभाव को भी विशेषण बताते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि किसी भी व्यक्ति यानी संज्ञा या सर्वनाम के अगर आप गुण की बात करते हैं, स्वाद की बात करते हैं, दशा की बात करते हैं, आकार की बात करते हैं, उसकी स्थिति की बात करते हैं, या स्वभाव ये नेचर की बात करते हैं, तो वो सारे शब्द विशेषण कहलाते हैं। और उन विशेषण शब्दों के उदाहरण क्या है, ये सारे शब्द, इतने सारे शब्द हैं। अगर आप ये शब्द को मान लो, इनसे ही मिलते जुलते कुछ और शब्द भी हो सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि सर्वनाम और संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। विशेषण शब्द किसी के गुण, किसी के स्वाद, किसी की दशा, किसी के आकार, किसी की स्थिति और स्वभाव को स्पष्ट करते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं। सूची को लेखबद्ध कर लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि आपको विशेषण का अभ्यास करने में कोई दिक्कत ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगले मॉड्यूल में कुछ और ज्ञानवर्धक बातों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।